असलम मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा बयानिया करप्शन के हवाले था जिसके ऊपर पूरी इलेक्शन कैंपेन बेस की इमरान खान ने बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस ज़माने से धरना शुरू हुआ तो पूरा बयानिया तहरीक इसाफ का था यही कि ये शरीफ करप्शन में मुलवस है जरदारी करप्शन में मुलवस है तहरीक इसाफ़ आएगी तो एक साफ शफाफ हुकूमत देगी लेकिन वो साफ़ शफाफ हुकूमत उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब हुकूमत के अंदर कोई पचपन ऐसी पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कंपनियां बनाई गई थी जिसके तहत पी के एल आई जैसे अदारे बनाए गए एक साफ कम साफ पानी का प्रोजेक्ट था उन सारों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला चला गया और हुआ आज यह है कि उस साफ पानी प्रोजेक्ट के अंदर जितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था बशमूल जो फॉर्मर एम पी ए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी इंजीनियर कमर इस्लाम उनके समेत और उस कंपनी के सी ई ओ समेत सारे लोगों को आज बरी कर दिया गया है उन इल्ज़ाम से जो करप्शन के इल्ज़ाम इंसाफ उस साफ कंपनी के ऊपर भी लगाती थी साफ पानी कंपनी के ऊपर भी और जो पचपन कंपनियाँ बनाई गई थी पंजाब हुकूमत के जेर साया शहबाज शरीफ के वक्त उन सारों को भी क्लिन चट मोस्ट ऑफ दम जो थी उनको मिल चुकी थी क्योंकि उनके हाई अप्स या उनके सोचने वाले उनके जो तख्लीक़ करने वाले थे उन कंपनीों के इंसाफ ने उनको बड़े आलाहदों के ऊपर किसी को एफ डी आर चेयर में लगाया किसी को प्लानिंग कमीशन में लगाया किसी को और जगहों पर लगाया और इसी तरीके से पी के एल आई जैसा अदारा शानदार अदारा जिसका पहले वो डॉक्टर साहब पर भी इल्ज़ाम लगाए बाकी सब कुछ भी किया अब उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर ये सर्जरीज जो थीं लिवर ट्रांसप्लांट जैसी वो हम कर रहे हैं तो ये अदारे पी एम एल एन के दौरेकूमत में बने थे इसी तरीके से साफ पानी प्रोजेक्ट जो था जिसके ऊपर बड़ा चर्चा किया कि करोड़ों अरबों रुपये डबो दिए गए उसके ऊपर भी सारे लोग आज बरतरी हो गए क्या ऐसा हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हजीमत का बायस बना और जिन लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे वो सबत नहीं हो पाए क्या सारे इल्ज़ाम झूठे थे तो ये बात भी मानना मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर शरीफ फैमिली की तरफ और आसिफ अली ज़दारी की तरफ उंगलियाँ उठाई जाती रही माजी में कि इसमें करप्शन ली गई हैं कि बैक्स हुई हैं और वो पैसा इन दोनों खानदानों की तरफ गया है तो फिर सबत क्यों नहीं हुआ निज़ाम कमज़ोर है या कुट अप चार्जेस थे कि हर एक अपोनेंट जो आपको सियासी हरीफ़ आपको मिला आपने पकड़ा और उसको नैब की हवालात में बंद कर दिया ये सोचे समझे बगैर ये तहकीक किए बग़ैर कि आपके पास कोई सबूत है या नहीं है आज के इस खसूसी सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो इमरान खान के दोस्त भी हैं तहरीकानसाफ़ के लीडर भी हैं और इमरान खान की उस कैंपेन में भी हिस्सेदार रहे जब वो एज अपोज़िशन लीडर आ, आ, पीएमएलएन को भी और पीपल्स पार्टी को चैलेंज करते थे तो ये उनके शाना बशाना होते थे जुल्फी बुखारी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पहले सेगमेंट में मेहमान शे गए थे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे जुल्फी आप दो तीन वजहों से जाने जाते हैं एक तो ये कि आप इमरान के दोस्त हैं फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोबलाइज़ करने में भी आपने काफ़ी रोल अदा किया उसके साथ भी रहे आप उस कैम्पेन में जब वो धरना सजा के बैठे थे या पाकिस्तान से बाहर जाते थे क्या चीज़ ऐसी हुई कि तहरीक इन साफ उन चीज़ों को कर नहीं पाई डिलीवर नहीं कर पाई जो बड़े बड़े स्लोगन्स थे जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग इमरान खान के साथ आए थे मिडिल क्लास साथ आई थी वो सारे लोग डिसपॉइंट हो गए कि वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए क्या खराबी क्या हुई देखिए अकाउंटेबिलिटी में जो डिलीवरी होती है वो है मुश्किल मलिक साहब अगर आप इंग्लैंड की भी मिसाल ले लें तो एन सी ए ने कुछ साल पहले एक कजाकिस्तानी बिलीनयर के घर को सीज़ किया लेकिन उनने सीज़ किया और फिर हमें यहाँ भी हमने पढ़ा अखबार में कि इन्ह ने घर सीज़ किया तो हमें भी उम्मीद हुई कि शायद एवन फील्ड फ्लैट्स पे भी यही होगा लेकिन हमें यह समझने की हमें करना हमें समझना चाहिए कि उस कजाकिस्तानी फैमिली पे भी एन सी ए ने नौ साल लगाए सिर्फ एक प्रॉपर्टी सीज़ करने में मतलब इससे उनके पास कई ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट का काम होता है उसको अपने कोर्ट्स और जुडिश्री uh, के हवाले करना बना के आपको पेश करना वो हमने किया अब वहाँ से अगर आगे नहीं चल सका तो वो हुकूमत का इन्फ्लुंस तो नहीं होता ना और ज़्यादातर जो आप केसेस देखते ख़ास ख़ासतौर पर पे, जिसपे हमें मैंडेट मिला था चाहे पानामा हो वगैरह वो हमारे से पहले थी वो हमारे केसेस तो ऐसा सच नहीं थे लेकिन आप देखिए कि जो बयानिया आपने बनाया और जिसके ऊपर आपने शायद खाकान को जेल में डाला एहसन इकबाल को जेल में डाला ख्वाजा साद रफ़ी को जेल में डाला मुफ्ता इसमाइल को जेल में डाला क्या निकाला आपने उसमें से क्या मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी इज़ एन ईजी और जो अकाउंटेबिलिटी की जो टीम आप बनाते हैं वो वैसे लोग होने चाहिए जो एक तो बहुत ही काबिल हों पहली चीज़ दूसरी चीज़ मैं आपको खाली एक मिसाल देता हूँ कि देखें जब पी टी आई नहीं थी एज अ फ्रंट रनर पार्टी पी 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 और पी एम एल नून थी ये फिर भी एक दूसरे को क्राप क्राप कहते थे पी एम पी 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 नून को क्राप कहती थी नून पी 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 को कहती थी लेकिन अवाम उस तरीके से मोबलाइज नहीं हुई कि ये हैं उस मतलब है कि उनकी बातों में नहीं निकली वो निकली खान साहब की बातों पर क्योंकि खान साहब क्रेडिबल थे तो जब उनने आवाज दी करप्शन के अगेंस्ट और लोग मोबिलाइज खान, खान की वो क्रेडिबिलिटी वो साख जो है वो तीन साल दौरे हुकूमत में उसको नुकसान नहीं पहुंचा जब डेढ़ साढ़े तीन साल के बाद आपने शहजाद अकबर को कहा कि जाओ घर जाओ डिलीवर नहीं आप कर पाए रिजाइन दो तो साढ़े तीन साल के बाद आके प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि ये कुछ नहीं कर पाया आप मेरी साख को नुकसान पहुँच गया देखें प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब की क्रेडिबिलिटी को मेरा मेरा नहीं ख्याल मेरी ओपिनियन में कि उनको कोई नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही है बिल्कुल सादक और अमीन कोई उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता हाँ अगर लोग पी टी आई के ऊपर बोलें कि जी आप लोग अकाउंटेबिलिटी पर परफॉर्म नहीं कर सके कि आप कि जो कम कह रहे थे कि हम बाहर से इतने पैसे लेके आएंगे या यहाँ क्रैकडाउन कर सकेंगे या केसेस टिक नहीं हुए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप वहाँ से बहुत अच्छे काबिल लोगों को ना डालें तो वो बहुत मुश्किल होता है काबिल कौन नहीं था प्राइम मिनिस्टर में ये काबिलियत नहीं थी सिलाहियत नहीं थी या शहजाद अकबर में काबिलियत नहीं थी अगर प्राइम मिनिस्टर में सिलाहियत नहीं थी तो वो आज यहाँ नहीं पहुँचते जहाँ तक शहजाद अकबर पर अगर हम उनको अगर बस के नीचे अगर डाल दें कि जी इन में काबिलियत नहीं थी या ये फेल कर तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बस के नीचे डाले तो डाल तो देखें वो मैं फिर से कहता हूँ कि एक काम नहीं था एक बंदे का मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनफेयर है कि सिर्फ उस पर हो अगर वो तीन साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि अगर वो नहीं कर रहे थे अगर की तो कुछ तो डिलीवर नहीं किया लेकिन उनको सपोर्ट भी फिर लोग कर रहे थे ना मतलब तीन साल से क्या हम स, अगर मैं कर अगर मैं पीएम के पास हर रोज जाके सुबह बोलूं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ये ले रिपोर्ट और शहजाद अकबर साहब या अकाउंटेबिलिटी का जो भी है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो भी उस ना एलि में शामिल होगा ये होगी ना कनाईवेंस होगी कि मुझे नहीं पता कौन मैं खाली कह रहा हूँ कि एक बंदे पे हमेशा जब इदारा एक फेल होता है तो सिर्फ एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसके आस पास दो जो भी तीन चार लोग हैं वो भी फेल होते हैं आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एंटी करप्शन पंजाब कह दूँ अब स्ट्रीट क्रेडिट एंटी एंटी करप्शन पंजाब की क्या है ज़ीरो कोई उस पर सही तरीके से यकीन नहीं करता उसमें जो लोग बैठे हुए लोग कहते हैं ख़ुद शायद करप्ट करप्टों तो आपको जब इन, आपको जब अकाउंटेबिलिटी पे आता है वापस उस पॉइंट पे आपको ले आता हूं कि जब बाकी जब जदारी या बेनजीर बुटो साहब या नवाज शरीफ साहब जब अकाउंटेबिलिटी की या करप्शन की बात करते थे कोई यकीन नहीं करता था जब खान साहब भी आए हैं और उनने ही सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है सब ने यकीन किया लेकिन है देखिए इस वक्त सूरत है कि आपके जितने बड़े बड़े स्लोगन थे ना अपोजिशन के हवाले से उनमें से कोई एक भी साबित करने की अपोजिशन में नहीं है जरदारी साहब के ऊपर मेरे ख्याल में सबसे जानदार रिपोर्ट थी वो एफ़ आई ए वाले बशीर मेहमान साहब ने बनाई थी बशीर मेमन को बाद में आपने कुछ और फरमाइश कर दी कि इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो उसने नहीं किया आजकल वो ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत पर है उसको भी आपने पकड़ने की कोशिश की कि उसको पकड़ के जेल में डाल दें जहांगीर तरीन आपका बंदे इकट्ठे करने में सबसे ज़्यादा बड़ी रूए रवा था जिसके जहाज़ पर वो लोग आते थे और इमरान खान के साथ पार्टी फ्लैग पहनते थे और जाते थे उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर आपकी जमात से शहजाद अकबर ने एफ आई ए एफ आई आर दर्ज करवाई हुई जुल्फी बुखारी रिंग रोड प्रोजेक्ट आपकी छुट्टी हुई क्या है ये आपने निकाला है फिर जुल्फी को पकड़ के दस साल के लिए जेल में डालते अगर तो जुल्फी ने रिंग रोड में पैसे खाए थे जंगीर तरीन ने अगर कुछ किया है तो उसको फिर जेल में दस साल के लिए डाल दिया किया क्या आपने मैं तो मैं तो हाजिर हूँ मैं तो बैठा हुआ ही हूँ कि कुछ करें और कुछ बताएँ लोगों को और मुझे रिंग रोड में आपका क्या रोल था सर मुझे ये भी नहीं पता कि रिंग रोड कहाँ से शुरू हो रही थी और कहाँ ख़त्म हो या था भी क्या रिंग रोड एक कम्प्लीट एक बहुत बड़ा फेलियर था सही चीजें सही हक प्रोजेक्ट करने किसका फेलियर था जिसने भी ये रेस किया वो मुझे नहीं पता कौन था? लेकिन कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व था कमिश्नर आज आप कमिश्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि उसको फील्ड जॉब ना दें आप

कौन तो था पता तो चल जाएगा मुझे नहीं, नहीं पता मुझे पता नहीं चल। आप तो इन चीजों में कभी रास्ता आप आपकी तरफ उंगली उठाई गई हाँ। जुल्फी की फैमिली यह थी ना ऐसे कि जुल्फी की उसके पीछे इसलिए आपको हट, से भी छुट्टी हो गई आप सही सही तो आपको नहीं पता कि उसके पीछे कौन था सर उसके पीछे जिसने एक रिपोर्ट बनाई थी वो पिंडी कमिश्नर था उसके ऊपर मेरा डेफिमेशन केस भी है और कौन था उसके पीछे और कमिश्नर तो जिस जिसने कमिश्नर को वहां लगाया किसने लगाया था ये मुझे मैं नहीं कह सकता मुझे पता नहीं है सच पूछें क्योंकि इन चीजों में मलिक साहब आप कभी सच नहीं पता चलता किसी की कोई फेरी होती है किसी की कोई फेरी होती है तो अब मेरे अंदर मौजूद लोगों का अगर आपने लिहाज रखना है तो ये आपकी मर्जी है वैसे आपको बरह रास्त उन्होंने एक्यूज किया था तो आपको तो पता है कि किसने एक्यूज किया था और उसके पीछे कौन था उसका नाम लेना ज्यादा बेहतर होता कि आप नाम लेते नहीं देखें वो, वो बात नहीं है मेरे सामने कमिश्नर था उसके ऊपर मैं केसेज लिया कमिश्नर ये सारा कुछ नहीं कर सकता ठीक है लेकिन जो भी देखें अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर एफ आई आर किसने दर्ज करवाई मुझे नहीं मैं उस केस में इन्वॉल्व नहीं था जी उसमें एफ आई आर एफ आई ए थी आप कह रहे हैं जिसने भी कराई थी आपको पता है एफ आई ए किसके अंडर थी ठीक है देखें आई थिंक आपको इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि खान साहब को दाद देनी चाहिए कि अगर वो फील कर रहे हैं कि उनके अकाउंटेबिलिटी की मिनिस्ट्री या अदारा डिपार्टमेंट जो भी सही काम नहीं कर रहा तो उनने सही वक्त पे रीजनेबल एक्शन लिया है कौन से वाला रीजनेबल एक्शन लिया अगर उनने शहजाद अकबर साहब को अगर या उन्हें रिजाइन किए या उनको अगर निकाला ती, साढ़े तीन साल के बाद उन्हें इस रिजनेबल का एहसास हुआ है सर, ये सर, पहले छह माह साल में क्यों नहीं साल में, में तो नहीं होती ना जी आप किसी कोर्ट में चले जाएं तो साल में कभी भी कोई चीज नहीं निकलती साल दो साल बाद आपको एहसास दो साल बाद चौथा साल है चौथे तो साल में जाके उन्हें लगा कि ही इज नॉट डिलीवरिंग इसको चेंज करना है ऐसे ही ही चेंज्ड हिम देन इफ इज नॉट डिलीवरिंग वो इसलिए कि आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा दबाव था आपको लगा कि शहबाज शरीफ को अंदर डालना है नवाज शरीफ को वापस लाना है ये तो बंदा काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ आप नहीं ऐसी बात नहीं आई थिंक वो जब प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देखते हैं तो शायद उस प्रोग्रेस प्रोग हंटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आप आगे चले गए मुझे लगा ये कि आप लोगों का फोकस ये नहीं रहा कि हम पीटीआई की हुकूमत आई है तो परफॉर्मेंस ये है इंस्टीट्यूशन के अंदर रिफॉर्म लाए इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको तगड़ा करें सबूत आए फाइलें पक्की हों मज़बूत केस के साथ अदालत जाएं जिसको अदालत पकड़े फिर छोड़े नहीं आप तो बंदा अंदर डाल के साल साल एक भूल जाते थे सबूत ढूंढने जाते थे जेल में, तो में तो डाल दो शायद खान को फिर सबूत लेकिन अब अब वो, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं ना अगर देखें इसमें कोई शक नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ अगर हम पहले साल जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम करते यू नो सिर्फ इस मैटर में नहीं मलिक साहब अगर हम जुडिशल रिफॉर्म्स पे फॉर एग्जांपल स्टेज पाकिस्तान में आपको स्टे हर चीज़ पे मिल जाता है चाहे वो बिल्कुल ही गलत हो आपको स्टे मिल जाता है अगर हम इन छोटी छोटी रिफॉर्म्स को भी ले आते हैं बीच में तो इसमें बहुत बेहतरी होती है अकाउंटेबिलिटी पे भी मैं इसलिए आज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ज़मीनों पे जो होता है हर वक्त जब बेचारा अपनी ज़मीन के लिए जा रहा होता है वो स्टे ले, ले लेते हैं तो अगर उसके साथ जुडिशल रिफॉर्म ज़्यादा स्पीड अप होती तो हाँ ज़्यादा आसानी होती अकाउंटेबिलिटी के लिए तो ये दो अलग अलग बहसें हैं उसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म्स पहले साल हम ज्यादा पुश करते कोई मेरे ख्याल में मिस डायरेक्टेड अप्रोच आपकी रही है आप सिर्फ ये लगे रहे हैं कि किस बंदे को अपोजिशन वाले को अंदर डाल के मिलाइन करके हम अपना टाइम गुजार सकते हैं ये तोज् नहीं रही कि अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर कर सकते हैं एक सर्वे जारी किया है पल्स वालों ने उसके मैं मोटे मोटे अगर नंबर पढ़ूँ तो वो आपकी मौजूदा आमदनी में घर के अखराज पूरे हो जाते हैं दो में ये सवाल पूछा गया अक्टूबर के महीने में तो लोगों ने 68 परसेंट ने कहा घर के अखराज पूरे नहीं होते 68 परसेंट जनवरी 2022 में अभी ये पूछा गया लेटेस्ट सर्वे के अंदर तो 72 परसेंट ने कहा कि नहीं हमारे घर के अखराज हमारी आमदन में पूरे नहीं होते तो आपके नीचे लोगों के हालात ख़राब हो रहे थे आप सिर्फ़ अपोजिशन को पकड़ के जेलों में डालने में लगे रहे हैं आपने एहसास ही नहीं किया फिर दूसरा उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में हुकूमत इस वक्त सही समत में आगे बढ़ रही है 69 ने कहा कि नहीं हमारा नहीं ख्याल है कि सही समत में आगे बढ़े सिक्सटी नाइन परसेंट बहुत अच्छा, बड़ा तो मैं, मैं भी आपको देता तो। आप आप हूँ में में इस वक्त सियासी तौर पर किस समत में आगे बढ़ रही है 66 परसेंट कह रहे हैं कि गलत सम्त में बढ़ रही है आपके ख्याल में हुकूमत इस वक्त तौर पर किस समय में बढ़ रही है सेवेंटी लोगों ने कहा गलत सम्त में आगे बढ़ रही है तो आप किस चीज़ के ऊपर आप इलेक्शन में जाएंगे मैं तो ये देखता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस अगर ये अगर आप अगर आप इसको परफॉर्मेंस समझते हैं तो अगर आप ये सर्वे दुनिया के हर एक मुल्क में कर लें तो 68 परसेंट या 62 परसेंट मलिक साहब मैं आपको गारंटी आज कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आप ये सर्वे अमेरिका में करा लें आप ये सर्वे इंग्लैंड में करा लें आप ये सर्वे किसी मुल्क में करा लें जहाँ इन्फ्लेशन हुई हुई है आपको इससे बहुत ख़राब परसेंटेज मिलेंगे बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में फिर भी मैं कोई एक्सक्यूज़ ये नहीं दे रहा कि जी बाकी मुल्क में हो रहा है तो हम यहाँ भी लेकिन इन्फ्लेशन एक दुनिया का फनोमिन है इसको हम भूल नहीं सकते ये ये बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं है ये ग्लोबल फनोमन है इस दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में है इंडिया में नहीं है चाइना में नहीं है ईरान में नहीं है अफगानिस्तान में, में नहीं, नहीं है अमेरिका में नहीं है अगर ये सारे मुल्कों में ना होती और सिर्फ पाकिस्तान में होती तो आप कहते हैं बैड गवर्नेंस के तौर पर हो रही है लेकिन अगर ये पूरी दुनिया में मैं अभी ओमान से होकर आया हूँ मलिक साहब आप लोगों से पूछे ओमान में कि उन पर कैसी इन्फ्लेशन आई हुई है ओमान जैसी जगह पे जो बहुत कम पॉपुलेशन है उनकी वसाइल भी ज्यादा हैं यू नो इट्स easy operated कंट्री वेल एडमिनिस्ट्रेट वहाँ आप वो कह रहे हैं कि उनको जो वो मतलब उनकी इन्फ्लेशन बहुत उनकी हाई उनको बिल्कुल कुछ नहीं बच रहा उसमें तो पाकिस्तान कम वसाइल के साथ डेट के अंदर डेट के नीचे फिसा हुआ जाहिर बात है कि इसमें होगा मैं डिसग्री नहीं कर रहा कि इन्फ्लेशन है बिल्कुल है हर बंद को पेंचो रही है तो सिर्फ लोअर क्लास को नहीं सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को हो रही है सर एक कलमियाँ है वो मेरी समझ में वैसे आज तक वो आया नहीं है आप कहते हैं बम्पर क्रॉप्स हुई हैं हमारे यहाँ वीट का बहरान चल रहा है क्राइसिस है आटा कीमतें बहुत ऊपर चली गई आप कहते हैं चीनी बहुत पाकिस्तान में पैदा हुई चीनी का बहरान शुरू हो जाता है आप कहते हैं पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र रिकॉर्ड पैदा हुई है पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र लेने के लिए किसानों की मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी बार कब मैंने इतनी लंबी लाइनें देखी थी वो यूरिया नहीं लोगों को मिल रही ब्लैक में महंगे दामों डबल कीमत के ऊपर ब्लैक में बिक रही है आप कैसे हुकूमत चला रहे हैं या तो आपकी पूरी काबीना नहलों के ऊपर भरी हुई है माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा तो या कोई और सिस्टम में ऐसी खराबी है जो साइंस मैं नहीं समझा कभी बम्पर क्रॉप्स के नीचे क्राइसिस नहीं आता आपके दौरे कुमार में बम्पर क्रॉप्स के नीचे क्राइसिस चल रहा है देखिए आई आई थिंक आप एक हो रहे हैं मलिक है। साहब काफ़ी दूसरी चीज ये कि आटा चीनी पे आपने आटा पे देखा था सिंध से कितना बड़ा हमें एक बोझ आया था इतना बड़ा क्राइसिस आया था और आखिर में बोला क्या कि जी चूहे खा गए हैं सारा तो मतलब है कि आप देखेंगे किस किस कार्टेल्स के साथ खान साहब उलझ पड़े तो आपको ये भी मानना होगा कि ये जो तीनों फर्टिलाइज़र हो गया शुगर हो गया और आटा हो गया तीनों के तीनों शायद पाकिस्तान के तीनों सबसे बड़े कार्टेल्स हैं अब ये हम एड्रेस नहीं कर रहे कि इन कार्टेल्स को कैसे करें ये, ये इनको ये आदत है उनको कि हर चीज़ अपने मेहमानी से अपने तरीके से चले पहली दफ़ा कोई खड़ा हुआ है उनके खिलाफ अब ज़ाहरी बात है उसमें वो शॉर्टेस पैदा करेंगे मुश्किल पैदा करेंगे होल्डिंग करेंगे ये सारी चीज़ें चलेंगी हाँ हमारा क्या काम है इसकी पॉलिसी जल्द से जल्द बेहतर करें आ, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर आपको चार कर सालों में ये नहीं पता चला कि ये इमरान इनको माफियाज़ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ये माफियाज़ कौन है आटा के अंदर शुगर के अंदर फर्टिलाइजर के अंदर फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियाँ फिंगर टिप्स पर गिनी भी जा सकती मैं उनकी ओनरशिप भी आपको बता सकता हूँ फिर गैस के क्या इशूज़ हुए हैं वो भी आपको पता है यू नो इट वेरी वेल आपकी फिंगर टिप्स पर होगा कि किसने क्या क्या कहाँ किया हुआ है

वीट के ये यूरिया तो के अंदर क्राइसिस है शुगर में कौन बैठा आप शुगर मिलर्स काउंट करना शुरू करें फिंगर टिप्स पे सारे तो, तो हाफ ऑफ तो द शुगर प्रोड्यूसर्स अभी इंक्वायरी नहीं, नहीं अभी आप उसको उसकी तंकीद आप तंकीद कर रहे थे कि शुगर इंक्वायरी की हुई आउटकम इंक्वायरी इसलिए हुई ना व्हाट इज द आउटकम आपने रिपोर्ट बताई no, मुझे बी बट वी आर स्टिल ने कहा एक सौ चालीस अरब रुपये की जेबों से निकल के शुगर माफिया की जेब में चले गए तो वो शुगर माफिया वाले जेल में होने चाहिए थे ना लेकिन अगर आप इस से, इस से देखें, तो एटी फाइव से लेके दो हजार सत्रह दो हजार अठारह तक फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शरीफ रादान दोनों पंजाब को चला रहे थे ठीक है जी सबको पता था बच्चे बच्चे से लेके बुजुर्ग को कि ये करप्ट है। उनके अपने डाया हार्ड, डाया हार्ड उनके लोग कहते थे जी खाते हैं लेकिन लगाते पाकिस्तान भी उनके, उनके यकीन था ना कि ये लोग करप्ट हैं। 2014 के धरने से लेकर आपके 2018 के इलेक्शन तक सारे पाकिस्तान ने मान लिया कि वो शरीफ अपने लोगों ने मान लिया कि खाते हैं लेकिन लगाते नहीं लेकिन हार्ड कह रहे आपने फर्क क्या किया नहीं फर्क बात नहीं है बात यह कि देखें एक Clearly, एक के के अंदर के उस चीज को के जब हम हैं तो वो को नहीं कर वो नहीं वो आप, नहीं हो रहा था आप को एड्रेस नहीं कर लेकिन साहब जुडिशल इज नॉट नीचे तगड़े हुए हैं कि नहीं तो कमजोर हैं उनको चैलेंज क्या किया गया अगर कुछ हुआ है तो वो ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए शुगर पहले से महंगी होगी आटा माफियास, पहले से महंगा हो गया वैसे ही हुए हैं जैसे कि ब्लैक में बिक रही है मलिक साहब माफियाज वैसे हुए हैं जैसे पार्लियामेंट है कि सब जुड़ गए हैं पार्लियामेंट पहले पहले, माफिया? पहले वो पार्लियामेंट माफिया करार देंगे ना तो सुबह इमरान खान के खिलाफ वो क्या होती है तहरीक तहरीके इस्तेको पेश करेंगे पार्लियामेंट को आप माफिया नहीं कह सकते पार्लियामेंट में जो माफियाज बैठे हुए हैं मैं पार्लियामेंट को नहीं कह रहा एज एन इदारा लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये हो सकता है आपकी जमात के अंदर बैठे हूँ उनको पहले ढूंढिए जाके कौन है <laughs> मतलब सबसे बड़ा माफिया ये जो जमीनों पे कब्जे करके ये सोसाइटीज है वो सबसे बड़ा माफिया आपके हुकूमत में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन किया आपने खुद ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने की इजाजत देखी फिर आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं एमनेस्टी स्कीम एक फाइनेंशियल स्कीम है जो अक्रॉस द तो बोर्ड होती है देखें माफिया वो होता है जिसको आप फेवर करें एमनेस्टी स्कीम वो है जो अक्रॉस द तो बोर्ड है चाहे आप के पास जैसे भी हो आप कोई भी हो आप उसके अंदर आ सकते हैं जो माफिया होती है वो एक सिलेक्टेड फ्यू को दी गई अगर आम मिनिस्ट्री स्कीम सिर्फ पांच बड़े आ, आ, शुगर आटा और यूरिया वालों को दिया गया वो अलग बात अलग बात हो शुगर आटा, माफिया आटा और यूरिया है। माफियाज हैं जी चीनी आटा और यूरिया खाद ये वाले माफियाज हैं अगर वो एक कार्टेल बन जाए और एक्सप्लॉयटेशन पे चले जाए जी अगर वो ना एक्सपोर्टेशन पे चले जाए अभी क्या हो रहा है ये एक्सप्लोर्टेशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रोटे, की वजह से आप तो, तो फिर वो माफिया है नाफिया जेल में क्यों नहीं है इस वक्त तो उस पर पूरी इंक्वायरी अभी हुई है सर जुल्फी बुखारी वापस कब आ रहे हैं कैबिनेट में लास्ट क्वेश्चन ब्रेक करी बा सर, सर है। साल रह गया कैबिनेट में मतलब आप खुद पता है और वो पीएम की चॉइस होती है वो उनने अगर वो समझें कि तीन चार और ऐसे पी एम्स बेहतर हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर को मशवरा आप देना चाहें कैबिनेट में तो अपनी आप बैठते वैसे ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में मशवरा दें वो सुन के आपको क्या करें नहीं मेरी क्या औुकात मैं एयर पे उनको मशरा था जो अकाउंटेबिलिटी पे उन्होंने नए लगाए हैं अपने वो आपके ख्याल में डिलीवर कर पाएंगे या वो सिर्फ चार बंदों को सिर्फ और जेल में डालेंगे मैं मैं कॉमेंट नहीं कर मैं उनको जानता नहीं हूँ आई आई हर्ड वेरी गुड थिंग्स कि वो बहुत अच्छे हैं और बड़े काबिल आखिरी बार, बार प्राइम मिनिस्टर से आपकी कब मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते इजी कॉन्फिडेंट अदम इतमाद वगैरह का कोई ख़तरा नहीं है उन्हें देखें प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कॉन्फिडेंट हैं और बिल्कुल रिलैक्सड हैं उनको पता है कि किस किस से जंग ली हुई किस किस से ली हुई है पूरे पूरी ओपोजिशन से ली हुई है सब मेरे जुल्फी <laughs> <laughs> बुखारी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ एक ब्रेक करीब आ रही है ब्रेक ले लें ब्रेक से वापस आएंगे तो शायद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में दोबारा खुश आमजीद कहते हैं कुछ हदसा पहले सैनट इत हुए और सैनट इत के वक्त एक असूल तय पा गया था कि कायदे हिजब इखिलाफ कौन होगा या चेयरमैन सैनट के उम्मीदवार कौन होंगे पीपल्स पार्टी और पी एम एल एन दोनों ने एक इतफाक़ राय से यह तय किया था कि चेयरमैन सैनट के लिए वो देंगे अहदा पीपल्स पार्टी को और ही को और कायदे हिजब अखिलाफ़ की बारी आएगी तो वो अहदा मिलेगा पी एम एल एन को कुछ लोगों के ऊपर शक था कि ये वोट इधर से उधर ना हो जाए तो उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी की फरमाइश के ऊपर नून लीग ने कुछ लोगों को ख़ुद से उनकी फरमाइश के ऊपर जिसमें फ़ारूक नायक और बाकी लोग बैठे थे ख़ुद से कहा यूसफ उपर, उपर, कि यूसफ के ऊपर रज़ा के ऊपर गिलानी के ऊपर स्टैंप लगानी है ताकि इनको यकीन आ जाए कि वोट इसी ने डाला किसी और को नहीं बेच के आया लेकिन उसके बाद जब वो वोट उठा के साइड पर रखे गए तो वहाँ से फ़ारूक नायक या बाकी किसी ने इतराज़ भी नहीं उठाया फिर जब वो चेयरमैन सैनट दोबारा संजरानी बन गए और कायदे इस बख्लाफ की बारी आई तो उसी पैक्ट को जो पी एम एल एन और पीपल्स पार्टी का था तोड़ते हुए वो जो दिलावर खान का आज़ाद ग्रुप जिसने संजरानी को पहले मुंतखब करवाया था उसी ने आके गिलानी साहब को भी वोट डाला और गिलानी साहब कायदे हजब अखिलाफ़ बन गए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कई महीनों के बाद अपोजिशन के पास एक मौका आया कि सेनेट में आ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के हवाले से जो बिल आ रहा है वाज अदी बरतरी है तो हुकूमत को हम सैनट में डिफ़ीट कर देंगे कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि उस दिन बिल नहीं आना क्योंकि दो तारीख़ को आई एम एफ़ की बोर्ड मीटिंग है हुकूमत पब्लिकली अनाउंस कर चुकी थी कि आई एम एफ़ की बोर्ड मीटिंग को हमने दरख्वात दे के दो तारीख़ दी है कि सैनट से बिल पास हो जाए और इंटरेस्टिंगली उस दिन ग्यारह अपोजिशन के जो सैनिटर्स थे वो वहाँ से ग़ायब हो गए एक तो इसकदार पाकिस्तान में नहीं है मान लीजिए कि वो पाकिस्तान है ही नहीं है तो आएँगे कैसे और वोट कैसे डाल लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कायदे असलाफ है में उनके ऊपर आ गया कि वो क्यों मिसिंग है मुशाहिद हुसैन सैयद पी एम एल एन से कोविड में मुबला थे रिकवर कर चुके हैं दूसरी तरफ से देखें तो एक खातून उनकी ऑक्सीजन स्पोर्ट के ऊपर आके वोट डाल के गई थी वोट डालने नहीं है तला महमूद जे यू आई से वोट डालने नहीं है तो वोट बराबर हो गए चेयरमैन सैनट ने वोट डाला और वो बिल पास हो गया अब आज यूसर रजा गिलानी ने कहा है कि वो अपनी पार्टी की आदत को इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं एज़ इस बार खिलाफ इन सैनट लेकिन अगर अपोजिशन ने पॉलिटिक्स करनी है तो वो पॉलिटिक्स अपोजिशन की तरह करें वो रात को डील करके सुबह आके मीडिया के ऊपर बयाना दे के लोगों को गुमराह ना करे अपोजीशन की सियासत कुछ असूलों के साथ तो हो सकती है डील की सियासत करके तो अपोजीशन की सियासत नहीं की जा सकती हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान के सबक़ वजेम शाहिद का कान अबासी साहब शामिल हो रहे हैं अबासी साहब बहुत शुक्रिया आपका बहुत अरसे से आपकी जमातें कभी लॉन्ग मार्च का तजकर करती हैं कभी प्रोटेस्ट का जिक्र करती हैं कभी इतमाद का बताती हैं कभी कहते हैं ये हुकूमत अपना अतमाद खो चुकी है कभी कहते हैं वो भाई लोगों की आशीर्वाद है वो पीछे हट जाए दस्ते शबकत उठ जाए फिर करेंगे अपनी बारी आई सेनेट से तो आपके बंदे ही गायब हो गए नहीं देखिए ये इस बात का एक पहलू है जो आपने बयान किया है लेकिन ज़रा इस बात को पूरे इसके कॉन्टेक्स में देखें रात के ग्यारह बजे सेनेट ने एजेंडा जारी किया तीन लोग कोयटा में थे वो कोई तरीका नहीं था पहुंच सकते थे और एजेंडे का जब बिल आता है उसका तरीका ये होता है बिल सैनेट में आता है वो रेफर हो जाता है स्टैंडिंग कमेटी को पंद्रह दिन तक स्टैंडिंग कमेटी को उसको कंसिडर कर सकती है फिर वो रिपोर्ट भेजती है हाउस में फिर वहां पर डिबेट होती है उसके बाद वोटिंग होती है ये तो एक पूरी सोची समझी मंसूबे के तहत ही सारा मामला किया गया कि बिल्कुल ठीक किया आपके साथ नहीं ठीक है नहीं हमारे साथ कमजोर सियासत है के साथ मैं वाद कहूँगा हाँ अगर हुकूमत ऐसी हो कि जिसको ये परवाह ना हो कि हम बिल क्या पास कर रहे हैं आप अपोजिशन को कह रहे हैं की बात कर रहे हैं जो ये बिल लेकर आए हैं जो मुल्क के मुफाद के खिलाफ है वो बिल यहां पर डिबेट होना चाहिए था, ये तो था की रिक्वायरमेंट आठ मेंबर नहीं थे इसमें कोई शुबा नहीं है क्यों नहीं थे जी, नहीं थे मैं बता देता हूँ तीन कोयटा में थे कोई तरीका है कि गिलानी थे। थे? गिलानी साहब साहब थे? थे, मुल्तान में का थे? को था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी होना चाहिए था क्योंकि उनके पांच छह दिन गुजर गए थे एक हमारी खातून जो है वो कैनेडा में थी और तला साहब कराची में थे उनको भी होना चाहिए था मैं बिल्कुल इसमें दो राय मेरी सुबह नौ बजे फ्लाइट सात बजे फ्लाइट होती है

उसको के सामने डिबेट करने में क्यों घबराते हैं सर मैं ये पार्लियामेंट्री आपके जो इलेक्शन है ये मैं रिपोर्टर हूँ कवर भी करता हूँ यहाँ प्रोग्राम में लोगों को बताता भी हूँ संजरानी साहब का जब पहले चेयरमैन सेनेट इंतबाब हुआ था तो उसमें जो लोग टूटे थे अपोजिशन के जिन्होंने खुफिया तरीके से जाके वोट डाली थी उसमें भी जे यू आई के लोग शामिल थे माजरत के साथ ये उनको बात पसंद नहीं आएगी लेकिन पीपल्स पार्टी का अरेंजमेंट था पीपल्स पार्टी ने उस चीज़ का क्रेडिट लिया था बाद में आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो चौदह बंदे आपके दोबारा टूटे खाने में वो लोग दोपहर को रात को इकट्ठे थे वोट उधर डाल कर आए तो आप लोगों की सियासत जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये हमारी साजिश नहीं सियासत नहीं है ये उन लोगों की सियासत है भी वोट बेचते हैं मैं माधरा से कहूँगा कि ऐसे लोगों को सेनेट में और किसी भी इलेक्टेड हाउस में कोई इनकी जगह नहीं है ये इसी किस्म के लोगों से आज ये अवान भरे हुए हैं बदकसमती से आप सेनेट को देख लें आप कौमी असम्बली को देख लें हर किस्म का ज़मीर फरोश आपको इन एवानों में मिलेगा तो बाहर निकालों ने आपकी पार्टियाँ आप बाहर निकालते हैं पार्टियां देखें हमारे अठारह में से सोलह लोग मौजूद थे दो का मैंने आपको जिक्र कर दिया एक खातून है उनकी दो हफ्ते से गई हुई है कैनेडा उनकी एक अपनी फेमरजेंसी थी और एक मुशाह हैं जिनको यकीन पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं आए ये... लेकिन मैं मैं मैंने कहा कि आपको जमीर फरोश हमेशा मिलते मै हैं एवानों में और यही लोग सियासत को और सियासतदानों को और मुल्क को बदनाम करते हैं पार्टी ने कभी इसके ऊपर गौर किया वो चौदह बंदे जो टूटे थे उनके ऊपर एक्शन ले लेते तो शायद ये मौका ना आ जाता ये सीक्रेट वोट था आप किस पे शुभ करेंगे ये बंदे तो ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई नहीं, नहीं, नहीं ये देखिए ये आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते सीक्रेट वोट है अगर मैंने यही कहा ना अगर किसी ने जमीर बेचना है तो वो मुकर जाएगा ये कुरान पर भी हल्फ लिया गया था ये भी आपको शायद नहीं पता कुरान पर भी लोगों ने हल्फ लिया था उसके बावजूद वोट नो अब... जी? वोट ऑफ ऑफ नो नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के वो तो वो और पे हल्फ के वक्त वक्त जी पहली दफा नहीं है पहले भी ये चीजें हुई है बदकिस्मती है मुल्क की फिर तो अल्लाह ताला से माफी मांगे बजाय इस कौम से पहले अल्लाह से माफी मांगे जी सारे माफी मांगे जो इन लोगों को लेकर आते वो भी माफी मांगे जो इनको बनाते हैं और चढ़ाते हैं एवानों में वो सब सबको माफी मांगने की जरूरत है सर आप जो हैं उसमें बाकायदा अलाकार नहीं होती मैं कई दफ़ा सुनता बातों की गलती भी है मैं बिल्कुल मानता हूँ कह देते हैं ने फलाना काम किया को जब तक वो टूल्स नहीं मिलेंगे तो कैसे वो काम करेंगे भी करूँगा कि जरा ये भी अंदाजा लगा लें कि एक चेयरमैन सेनेट आपके जो मुल्क अपर हाउस है उसका चेयरमैन वो आदमी है जिसको आपने वोट खरीद कर या दबा कर या चोरी करके आपने वहाँ बैठाया हुआ है लेकिन सोच लेना लेकिन पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ जरदारी साहब ने क्रेडिट लिया था बाप पार्टी को बनाने का भी और फिर सन्जरानी को जितवाने का भी क्रेडिट जी भी बिल्कुल बिल्कुल ये ये गलतियां सियासत में हुई हैं वो सारे भुगत रहे हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सेनेट के चेयरमैन है वो भी चोरीशुदा वोटर से वहाँ बैठे हुए हैं आज एक सर्वे है वो उसके मुख्तलिफ हिस्से में दिखा रहा हूँ तो उसमें सर्वे में उन्होंने पल्स सर्वे उन्होंने एक सवाल पूछा है कि किस के किस पार्टी की स्टैब्लिशमेंट से डील है तो उसमें अक्सरीयत ने आई थिंक फिफ्टी थ्री पर ये देख के डालिएगा वही वो, वो जिन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की डील है स्टैब्लिशमेंट से तो आई थिंक पीपल्स पार्टी ने तो पक्का जफ्फा डाला हुआ है कि हमने नहीं छोड़ना आप हमें छोड़ दें हम नहीं छोड़ेंगे जफ्फों से मिलता कुछ नहीं है ना मुल्क को मिलता है न पार्टी को मिलता है न सियासत को मिलता है यही जफे जो यह से हमें है यहाँ पहुँचा है ये जफे तबाही का बायस होते हैं आप जब वो इस्तीफा आर या पार के नारे मार रहे थे उस वक्त भी जफा आपको लेके बैठ गया था ऐसे ही हुआ था आपकी पीडीएम की वो सारी मूवमेंट का बेड़ा गर्क हो गया था कि हमने नहीं इस्तीफे देंगे और फार हो गया काम नहीं इस्तीफे देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इस्तीफे पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने सबके सामने कहा कि हम सी सी से इजाजत देंगे नौ जो बातें तैयार थी उस इजाजत से पहले ही उन्होंने वो वाक़ हुआ जिसमें आ, उन्होंने बेंच से मेंबर लेकर और खुद लीडर अपोजिशन बन गए और वहां पर छोड़ वह, वहां को छोड़ दिया उस, उस, उसी के साथ साथ हुआ जो उनकी छोड़ने की वजह थी वो इस्तीफे का नहीं था वो पीडीएम ने इजाजत दी कि आप जाए सीसी से बात करें उनको पीडीएम का फैसला बताएं उसकी लेदगी की सबसा ग्रानी का वो लेदगी की वजह बनी तो फिर तो आप इकट्ठे कैसे चलेंगे अब नो कॉन्फिडेंस की बातें आप लोगों को जब बताई जाती हैं है कितम भी आ सकती है तो उसी पीपल्स पार्टी से फिर आप साथ चलेंगे जो कल आपको छोड़ के फिर कहीं ऑर्डर वोट कोविड असेंबली में वोट पड़े हैं अभी एक सौ बासठ थे सबकी गिनती पूरी थी एक आ, वोट पड़े हैं ऐसी कोई बात नहीं है जब अपोजिशन में इकट्ठे हैं अगर उसमें कोई खराबी पैदा करेगा वो लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा मैं आपको हकीकत से कहता हूँ जो जमात भी इस वक्त को कोई डील करेगी कोई समझौते करेगी जो खलूस से काम नहीं करेगी ये हकूमत इतनी बदनाम है इतना ऐसे मुल्क को तबाह कर दी है इतनी अवाम को तकलीफ दी है कि जो भी हुकूमत का साथ देगा वो सियासत में मार खाएगा हुकूमत का साथ देने वालों में वो आपके अरकन भी शामिल हैं जो वोटिंग डे पे मिसिंग थे तो बराबर के जिम्मेदार अगर आप उनको समझिए हमारे दो अरकान हैं है। मैंने दोनों का जिक्र आपके सामने नाम लेकर कर दिया है तो यूसर गिलानी और मुशाहिद हुसैन तला साहब इन सारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी बी एन पी की उनको उनको इस बात का एहसास शायद नहीं था उनको ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था मैंने फिर कहा कि उस दिन वोट होना नहीं चाहिए था एक बिल आया है एक मुतनाज़ा बिल है उस पर डिबेट होना ज़रूरी होती है ये पार्लियामान की रवायात हैं ये इदारे रवायात में चलते हैं ये सिर्फ कवानी में नहीं चलते सर आपके पास वाकई या ऑप्शन है कि आदम इतमाद आप कर सकते हैं या

ये ये खराबियां भी यहाँ निकलेंगी अभी जब अदब एतम होगा उसकी खराबी भी आपको नजर आएगी यहाँ क्या, क्या क्या तमाशे लगते हैं तो दैट ऑप्शन देर बिल्कुल अदब एतम का ऑप्शन हमेशा होता है इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपके पास गारंटी हो कि आप एक सौ बहत्तर कौमी में लाकर मोशन पास करा सकते क्या आपने कोई फॉर्मली फॉर्मलीगोशियट किया है? काफ लीग और एम के एम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते ये दुम्ल दुम्ल डुम्ल डुम्ल नहीं होती से। ना ही ये पब्लिक काम होता है। में तो नहीं चीजें नहीं आती और कब आपने करना ही भी, कभी अप नहीं देते। जब भी आप देखते हैं कि आपके पास नंबर पूरे है आप आदम करते हैं की सियासत में ये आदम वाले खेल हुआ करते थे अब तो वो पुराना वक्त हुआ नहीं हुए एक दफा हुआ था ना काम हो गया था इस कौमीबली में

ये 1989 के नवंबर की शायद बात है ये उसी वक्त की बात है सर जिस पे इल्जाम लगा था कि 10 मिलियन मिलियन डॉलर सामा से लिए गए थे बीबी -बी के, के सामा उस वक्त कोई इतना प्लेयर नहीं था उसका नाम भी लोग नहीं जानते थे ये वो बात नहीं है जब इल्जाम आयद किया था वो किस वक्त की थी वही नहीं वो शायद बाद की बात होगी में तो मिलियन डॉलर किसने लिए थे क्यों लिए थे तो आप कह रहा ना ये बातें बड़ी बहुत ही चलती है वो अदब एतम जो था तो ख्याल में कैसे नाकाम हुई थी मैं वो कहा लंबी कहानी है एक बता सर, सर बताना मुमकिन नहीं है लंबी कहानी है उसमें बहुत से पैसे लिए थे लोगों ने उस वक्त उसमें लोगों को पैसे भी लेकर तोड़ा गया लोगों को लालच भी देकर तोड़ा गया जब हमने अदब एतम शुरू किया तो अक्सरियत हमारे पास थी उस जमाने में शायद एक सौ उन्नीस पे अक्सरियत होती थी दो सौ सैंतीस में दो एक सौ उन्नीस अक्सरियत थी हमारे पास शायद एक सौ चौबीस में थे और एक, एक वोट मैं, थी थी मैं उसमें एक वाक्य आपको जरूर बयान कर दूंगा कि राणा चंद्र सिंह साहब थे जो ये सारे मरी में थे वहां पे एक हफ्ता रहना पड़ता था तो रखा जाता था बंद करके नहीं रखा नहीं जाता बंद नहीं ये ये जरूरी होता है ये ये बदकिस्मती चीज का हिस्सा है कि आपके मेहमान इकट्ठे रहे उनका हौसला बुलंद बुलाते दूसरे को देखते रहे कि अक्सरियत यहाँ पर बैठी है और कोई टूटे ना पैसे लेके टूटे ना किसी को रब्ता ना हो तो बहरहाल वो राणा चंद्र सिंह साहब ने एक दिन मैं फिर दी तो उन्होंने कहा कि हम सिंध से, से आठ मेंबरान आए थे आठ मेंबरान जो जमात छोड़कर अदब एतम का साथ देने आए थे तो उनको कहा गया कि हलफ ले लें तो सात मुसलमान थे उन्होंने हलफ ले लिया तो ईरान चंद्र सिंह सबके सामने बयान किया ये कोई दकी छुपी बात नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा गया कि आप भी अपनी किताब पे हलफ ले लें तो मैंने कहा जी मैं राजपूत हूँ सिंध का मेरे अकबर हमारे घर में पैदा हुआ था तो मेरी जबान ही मैं काफ़ी समझता हूँ तो उसने कहा कि आप देख लें वो साथ में बरान नहीं है मैं आपके साथ बैठा हूँ <laughs> और आखिरी वक़्त तक बैठे रहे रहेंट मैंने बताया ये बड़ी लंबी कहानी है ये कभी किसी किताब का हिस्सा बन जाए और मैं हमेशा बार बार कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें सब हक सामने आ जाए सर उस जमाने में तो दो दो चार चार करोड़ का रेट था आज का रेट अरबों में पड़ेगा अगर आप बंदे नहीं उस जमाने में, में रेट होते थे लाखों में दो तो, तो चार करोड़ का मामला नहीं था। अदम इत्माद, अदम इत्माद, अदम इत्माद, प्रेशर दोनों तरफ लगता है को भी लगता है कि है शहबाज शरीफ को अंदर कर दो शजाद अकबर की छुट्टी करा दी कि बंदा नहीं अंदर हो सका आपके ख्याल में कुछ डुएबल है या नई डूएबल पाकिस्तानी साहब ये बड़ी ख्वाहिशा है लीडरशिप को अंदर किया जाए आज तक एक केस करप्शन का नहीं बन सका एक केस नहीं है पाँच साल हुकूमत वफाक में रही है दस साल सूबे में रही है मैं 2008 के बाद की बात कर रहा हूँ या 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ केस बनाए ना हर कोशिश हो गई साफ पानी आज साफ पानी मेरे, मेरे एक एमपी हैं कमर उम साहब वो फॉर्मर फॉर्मेलिटी नौ महीने जी फॉर्मेलिट नौ महीने वो कैद में रहे हैं बदनामी उनकी हुई जिस तरह उनको रखा गया वो भी एक इबरतनाक दास्तान है एमएनए के उम्मीदवार थे ना आपके एमएनए के उम्मीदवार भी थे उनको उठाया गया ये ये हालत है हमारे मुल्क की यार कोई माजरत ही कर लो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन नायब माजरत करेगा कि हमने झूठा केस बनाया हमसे नहीं केस बन पाया आज वो चार साल के बाद रिहा हो रहे हैं मतलब उन बरी हो रहे हैं ये इंसाफ के ये इंसाफ के तकाजे हैं मैं आपको हकीकत से कहता हूँ इस मुल्क में कमीशन बनेगा और ये लोग जो आज झूठे मुकदमे बनाते हैं वहाँ पेश होंगे शहजाद अकबर समेत इनको पेश होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किसने इनको इजाजत दी है कि झूठे मुकदमे बनाए आपको मौका मिलेगा अगर आपकी जमात को तो आप वो कमीशन कायम करें जी बिल्कुल कमीशन कायम होगा बिल्कुल कमीशन कायम होगा देखिए ये किसी को ये इख्तियार नहीं है कि ये जुल्म करें यह मुकदमे बनाए इस मुल्क की सियासत को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करें अंजाम होगा क्या हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी या आप लोगों का कुछ इरादा है दरमियान में कुछ खेल कूद करने का वो हर शाख पे भूल <laughs> जाता है आप पढ़ दे रहने उसको बोलने की जरूरत नहीं क्या होगा <laughs> वो उसके जो पहले वाला जुमला है ना वो मिसरा है वो ना ही पढ़े तो ठीक <laughs> <laughs> मैं मैं है मैं मैं रुक गया हालात उसे ज्यादा फर्क नहीं है आपके साथी कुछ परेशान हो हालात उसे ज्यादा फर्क नहीं है सब परेशान सारे ही होंगे यहाँ <laughs> पर जो मुल्क हालात है सब परेशान होंगे तो सर मुद्दत पूरी करने दें आपके ख्याल में हुकूमत हुकूमत वोट आउट एक मुद्दत नहीं पूरी करना चाहती हुकूमत काम करेगी तो मुद्दत पूरी करेगी ना ये कोई लॉटरी तो नहीं है कि आपकी लॉटरी निकल आई है तो आप आप बैठे रहेंगे पांच साल मुल्क आपने तबाह कर दी है कौन सी कौन सी चीज है जिसमें कोई मुस्बत असर पाकिस्तान में हुआ है मुझे वो बता दें एक चीज बता दें जब प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे आ गया एक सवाल आपसे पूछ लो आप बहुत सारे लोग आजकल वो पता नहीं मुझे क्यों उसकी वजूहत क्या है पाकिस्तान मतबाद अरसा अपनी हम अपनी जो आज़ादी से लेकर अब तक ऐसे सदारती निज़ाम गुजारे हैं जिसमें ऑल पावरफुल शख्स वाहद एयूब या या इवन जरदारी साहब का दौरेकूमत आप उसको कह सकते हैं कि मोर लाइक ए प्रेजिडेंशियल फॉर्म अभी भी प्रेजिडेंशल फॉर्म की बातें क्यों हुई चर्चा क्यों हुआ कौन था इसके पीछे उसको छोड़े ये बड़ी ख्वाहिशात हमारी रहती हैं ये वो लोग करते हैं जो ना सियासत को समझते हैं न बुल को समझते हैं न बुल के हालात समझते हैं आप पाकिस्तान में सब कोई शख्स है आज हैल जो एक शख्स इस मुल्क को चला ले लेकिन नाम बता दें किसी एक पे राय नहीं होगा नहीं, नहीं राय वोटिंग होगी तो वो एक शख्स तो आ जाएगा ना हाँ। किसी शख्स का नाम बता दें जनरल मुशर्रफ के पास मौका था कि दुनिया में से किसी शख्स को लाकर यहां पर हुकूमत में रख सकता था क्या वो हुकूमत चली नहीं चली एक एक डेवलपमेंट का काम का वो हुकूमत नौ साल में नहीं कर सकी मुशर्रफ की ये हालात है मुल्क के आप आप हम ये तमाशे खेल लें बड़ी मुश्किल से यहाँ पार्लिमानी निज़ाम एक आइन पर फैसला हुआ पार्लिमानी निज़ाम बना मुल्क चलता है अगर आप उसमें मुदाखलत ना करें आप दो तीन इलेक्शन बगैर मुदाखलत क्यों आप यकीन करें मुल्क का कर निज़ाम चल पड़ेगा शायद का खान बासी साहब पाकिस्तान के सबक़िक वजी अजम बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे आज के लिए इतना इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़